अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयदा नाहिदा खादरी, एनआरक्यू 24 न्यूज से। जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं, हम मोहम्मद सिराज के घर आए हैं, क्रिकेट प्लेयर मोहम्मद सिराज, आज उनके घर हम आए हैं। जैसे कि यहाँ पर उनकी वालदा वालिद से बात करेंगे, उनकी जो खुशी है आज, जैसे कि मोहम्मद सिराज को सेलेक्ट किया गया है T20 मैचेस के लिए, इस पर उनके वालिदैन की क्या खुशी है, वो क्या इजहार करेंगे उनकी खुशी, इसी के बारे में हम जानते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम मोहम्मद सिराज के घर पर हैं, हमारे सामने उनकी वालदा है, वालिद है, उनके बहुत सारे घर वाले भी हैं। माशाल्लाह ये लोग बहुत ही खुश है कि मोहम्मद सिराज सेलेक्ट किए गए T20 मैच के लिए। इसी बारे में मैं उनसे वालदा वालिद से कुछ क्वेश्चंस करूंगी कि वो आज कैसा महसूस कर रहे हैं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, हम बहुत खुश है, बहुत 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 खुश, हम बयान नहीं कर सकते खुशी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद गौस है, मोहम्मद सिराज जो इंडिया में सेलेक्ट हुए, बहुत खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत खुशी है, हमारे को बच्चा इतना आगे गया बोल के सब लोग उनसे दुआ करते हैं कि हम बच्चे के लिए दुआ करिए हमारे बच्चे के लिए। जैसे कि मोहम्मद सिराज को बचपन से ही क्रिकेट का शौक़ था, या टीनेजर में जैसा कि 12-13 साल के बाद उनको शौक़ आया, या बचपन से ही बहुत शौक़? बचपन से ही शौक़ था उसको खेलने का। आप उनको कभी ऐसा डांटती थी कि ये क्यों ज़्यादा खेल में रहते हैं? बहुत मारती थी मैं इसको, पढ़, मेरे को शौक़ था कि पढ़ना, हम नहीं पढ़े लेकिन हमारे बच्चे पढ़ना कुछ बोल के मेरे की ख्वाहिश थी। मेरा बड़ा बेटा कंप्यूटर इंजीनियर है, मोहम्मद इस्माइल, तो वही बोलती सिराज तू भी अच्छा पढ़ दे, एक बड़ा भैया देख इंजीनियर हो जा रहा, उसकी लाइफ अलग हो जाती, फिर तू कल को मेरे को नहीं बोलना, अम्मी तुम मेरे को डराए नहीं बोलना, तू क्रिकेट क्रिकेट नहीं सिराज, ये क्रिकेट अपने को साथ नहीं आती, चल पढ़ ले तू, को डिग्री कर ले, तेरे को भी नौकरी, तेरी भी ज़िंदगी। लेकिन उनकी लो उसी में थी। बहुत दीवाना दिन देखता था ना, रात देखता था, बस खेल। बाज़ वक़्त तो मैं घर को कुफल डाल के सोती थी, मैं सोते वक़्त भी इन्हें भाग जाता, फिर भी भाग। थोड़ा शरारती टाइप थे ये ना, या सोबर टाइप थे बचपन से? मगर शरारती, क्रिकेट का ही दीवाना था, बस ज़्यादा बात किसी से नहीं करना, मगर खेल, बॉल बैट विकेटा बस यही था उसका, ने कि खेल इसके लिए ही भाग जाता था। दोस्त आधी रात को फ़ोन करते तो आधी रात को जाके बस खेलता था। मैं को सारा बच्चे को मारती थी बोल के मेरे को बहुत सारा दुख होता, मेरे को अल्लाह पाक मेरे बच्चे को मैं मारती थी, मैं बोलती भी थी मैं सिराज देख तेरे को मैं मारती थी, नहीं सिराज आज तू ही किधर से किधर हो गया, बता मैं वो मारना भी तुम्हारा बहुत अच्छा था ना, देखो जी ऑटो में लेके आता था बच्चों को, स्कूल छोड़ता था, स्कूल से मैं ऑटो पे चला जाता था, अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल से आके बच्चे जो क्रिकेट खेलते थे सिराज मोहम्मद सिराज जी, नहीं डांटता था मैं बच्चों, कभी मारा ना कभी डांटा मैं, क्रिकेट मेरे को बोलते थे कि बच्चा स्कूल को नहीं आके क्रिकेट खराब हो तो खेलने दो बोल के बोलता था मैं, वो सा भी हुनर ही है ना, मैं ऑटो चला मेरा बच्चा क्रिकेट प्लेयर बनना है, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा बहुत बड़ा प्लेयर बनना है, अल्लाह ताला पूरी खेल उसका दुनिया देखो बोल के मेरी ये ख्वाहिश थी, अल्लाह ताला दुआ को सब लोगों से पूरे लोगों को अल्लाह ताला अच्छे विकेटा मिले सबको, अल्लाह ताला सबको सेहत दो, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, उसने हमारा बच्चे को भी कामयाब करे, इंडियन टीम सेलेक्ट हो या अल्लाह मेरा बच्चे को अच्छे विकेटा मिलो, अच्छे रंग मिलो, सारे इंडिया का नाम करो मेरा बच्चा, इंशाल्लाह बहुत नाम करेंगे, इंशाल्लाह उनकी जगह खामन रखेंगे। सिराज अस्सलाम वालेकुम बेटा, बहुत बहुत मुबारक, अल्लाह तुम्हारे को कामयाबी दे बेटे, अल्लाह पाक नजरे बस से बचाओ, बहुत अच्छा इंडिया में खेल के इंडिया वालों के प्लेयरों के साथ रह के बहुत अच्छे से लोगों के तौर तरीके आप सीखो सिराज, बहुत बहुत तुम्हारी टीम को बहुत बहुत मुबारक। जैसे कि आप लोग देख रहे थे, इतनी देर से हमसे बातचीत कर रहे थे मोहम्मद सिराज की वालदा वालिद, और मोहम्मद सिराज की नानी भी यहाँ पर है, ग्रैंड मदर उनकी, वो भी बहुत खुश है मोहम्मद सिराज के इस टीम में सेलेक्ट होने की वजह से। जैसे कि आप देख रहे हैं उनके घर वाले बहुत ही बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसी के साथ मैं सैयदा नाहिदा खादरी, NRK 24 न्यूज़ से। मेरे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।